दोस्तों, ये आर्मोर्ड केबल है पॉली कैप का, फोर कोर है दोस्तों, 10 mm है शायद। तो ये इस तरह से इंस्टॉल हो रहा है, इस तरह से दीवार को लग के। ये मेरे अंकल का ही बिल्डिंग है और ये सामने 3-phase कनेक्शन है दोस्तों, पोल सामने था इसीलिए वहाँ से पूरा मेरे शॉप तक पीछे तक ये ले जा रहे हैं दोस्तों। और ये पॉली कैप का है, काफ़ी ज़बरदस्त हेवी है, तो इसी को इंस्टॉल कर रहे हैं दोस्तों। ये जो आर्मर है, फ्लैट आर्मर है, ये अर्थिंग के लिए यूज होता है। और चार ही जो चारों आप इसके कनेक्टर देख रहे हो, सेम साइज है। एक 3.5 कोर भी आता है और ये 4 कोर है। 4 कोर सिलेक्शन इसलिए करते हैं कि हेवी लोड जब होता है तो 4 कोर सिलेक्शन करना ज़रूरी होता है। 3.5 कोर में क्या होता है कि लोड डिवाइडेशन ठीक से नहीं होता है। सारे स्विचेस LNT के ही लिए हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल सारा कुछ लिया है दोस्तों। 100 एम्पेयर का चेंज हो रहा है इसमें। प्रोविजन ऐसा है कि हम अगर MSDCL यूज कर सकते हैं और DG का भी यूज कर सकते हैं, दो सोर्सेस रहेगा यहाँ पे। ये क्या है? इसके बाद में ये आएगा बस बार, यहाँ से सब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर एक मशीन को अलग से केबल यहाँ से जाता है। और ये मेन स्विच का बॉक्स है, इसमें अलग अलग MCB रखा हुआ है। हाँ, इसमें सारे इंस्टॉल करने भी बाकी है। ओके। और ये कुछ केबल्स है दोस्तों। हाँ, जैसे मशीन का कैपेसिटी है उसके हिसाब से अलग अलग करंट कैरिंग कैपेसिटी का केबल है। और सारी पॉली कैप की है और एक कॉपर में। यस यस यस। ओके सर, थैंक यू। ये जो मेटल की जो निकले है, आर्मर्ड फ्लैट आर्मर्ड, ये अर्थिंग के लिए है ना। दोस्तों, ये हमारा आर्मर्ड केबल जो मैंने आपको टेरेस पे दिखाया था ना, वो इस मेन बॉक्स में आया है। यहाँ पे हम स्विच ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं। यहाँ से ये आर्मर्ड केबल शॉप में आया है दोस्तों। और यहाँ पे इस ये तीनों जो है ना, ये तीनों MCB है। ये 40 एम्पियर का है, 16 16, और एक बॉयलर का है ये बड़ा वाला, एक वॉशिंग मशीन का, एक हाइड्रो का है। और ये सारा कनेक्शन पहले आर्मर्ड केबल से यहाँ पे आया है, फिर यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोस्तों। यहाँ से एक एक केबल जाएगी एक एक मशीन में जो पैनल में लगेगी, यहाँ पे भी। और बॉयलर का भी अभी कनेक्शन होना बाकी है, ये कनेक्शन होने के बाद में एक। और यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा हेवी वायर यूज़ किया है दोस्तों, ये देख लीजिए। ये हाइड्रो का है और वो जो है ना, वो थोड़ा हेवी वायर है जो बॉयलर में यूज हुआ है दोस्तों। दोस्तों, अभी मेरा इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम कंप्लीट हो गया है, सारी वायर केबल्स वगैरह, सारे बोर्ड वगैरह अच्छे से लग गए हैं। तो और मैंने एक दो दिन तक मैंने काम भी किया है मेरे मशीन में इलेक्ट्रिक का सारा कुछ, तो कोई भी दिक्कत मुझे नहीं हुई। तो इन सब में मेरा खर्चा कितना हुआ है, ये बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी है। नासिक गया था मैं केबल लेने, और अर्थिंग का इतना बड़ा गड्ढा बनाया, उसमें अर्थिंग की इतनी बड़ी प्लेट डाली, तो सब में इलेक्ट्रिक वर्क में कितना खर्चा हुआ है, बहुत सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 48,000 की जो केबल्स और ये सारे बॉक्स वगैरह, MCB है, मेन स्विच है, चेंज ओवर है, बस बॉक्स है, ये सारे कुछ 48,000 रुपीज़ के आए हैं दोस्तों। 2-500 रुपये का खर्चा इधर उधर हुआ होगा। उसके बाद में यहाँ पे भी मुझे कम से कम 2-3 हज़ार रुपये का मटेरियल एक्स्ट्रा लगा है। 3,000 रुपये का मटेरियल पकड़ लीजिए आप, मुझे कम से कम 65,000 रुपीज़ तक मुझे लगे हैं दोस्तों। मतलब सारा कुछ करते कराते 65,000 तक मुझे खर्चा आ गया। मैंने नहीं सोचा था कि 3-phase मशीन तो मैं ले लूँगा, बट वायरिंग का इतना खर्चा आएगा। ऐसा है कि हमें जो इंजीनियर साहब थे, टेक्नीशियन जो थे ना हमारे, तो उन्होंने जो जो वायर कही ना, तो वो वायर हमने ली है। जो ग्लोबल वालों ने कहा, विनायक शिंदे सर जी ने,
कि ये वायर लगाना पड़ेगा ग्लोबल वालों ने और हमारे टेक्नीशियन ने जो भी सामान बोला ना ये लगाना पड़ेगा ये लगाना चाहिए, तो मैंने उसमें ना नुकुर नहीं की, जो भी उन्होंने कहा मैंने सब लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई मैं सस्ता सा वायर डाल दूँ तो प्रॉब्लम बाद में मुझे ही होने वाली है। 65,000 के आसपास मुझे सारा खर्चा आया है दोस्तों, और सभी हिसाब करके भी मैं बता सकता हूँ, बट आप ओवरऑल पकड़ लीजिए कि 65,000 तक मेरा खर्चा हुआ है। तो बस दोस्तों ये वीडियो यही तक थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।